स्वागत है जी आपका फिर एक बार नए व्लॉग में। इस समय हैं हम लोग कतनिया नेशनल पार्क, जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और देखते हैं कौन कौन से एनिमल हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। अभी जा रहे हैं हम लोग कतनिया नेशनल पार्क। पहले भी आपने देखे होंगे मेरे कई व्लॉग, तो कौन कौन से जंगल सफारी नहीं करेंगे यार, रोड से जा रहे हैं कतनिया, फिर बैक आएंगे। कोई एनिमल दिख गया तो आपको जरूर दिखाएंगे। इको अवेयरनेस सेंटर कतनिया घाट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय कतनिया घाट, और यहां से सफारी के लिए जिप्सियां ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्रोकोडाइल देखने हो, आगे इनके होटल वगैरह, ट्री हाउस वगैरह दिखाई देंगे। ये पूरी जानकारी दे रखी है। और सामने यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, आगे कोई एनिमल दिखाई दिया तो आपको इस ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे। तो सब जिप्सियां खड़ी हुई हैं इस समय। अभी हम लोगों को लंगूर, जो काले मुंह वाला बंदर होता है, बड़ा वाला, सब वो दिखाई दिया। उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो किस्मत होगी, स्पॉटेड डियर वगैरह दिखाई देना चाहिए। हरे भरे मैदान है जंगल में, और टाइगर वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर के छुपने के लिए, घास, और यहाँ पे ना पर्याप्त मात्रा में उनका भोजन है, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांभर, नील गाय। यहाँ पे एलिफेंट भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तादाद में है। नेपाल वर्दिया नेशनल पार्क के साथ ही बाउंड्री उसकी लगती है, तो वहाँ से ये देखिए कितने बड़े मैदान, ग्रास लैंड है। जब इसमें ना आग लगी होती है और दूर दूर तक जानवर दिखाई देते हैं। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा, तो कहीं छाया में एनिमल होंगे। तो मेरा एक ब्लॉग है, उसमें आपको दिखाई देंगे स्पॉटेड डियर वगैरह। एक बार आए थे तो थोड़े दिन में, ये देखिए सामने मचान, वो सामने मचान है देखिए। गाड़ी फाटक ट्रेन का हो गया बंद। ये जो लाइन निकलती है, ट्रेन आ रही है मैलानी से, दुधवा नेशनल पार्क होते हुए आती है, निकलती है, और ये कतनिया नेशनल पार्क से भी निकलती है ये। और अभी आ रही है ट्रेन और आपको दिखाएंगे। ये ट्रेन मैलानी से नानपारा होते हुए गोंडा तक जाती है। इधर सामने दुधवा नेशनल पार्क, और ये नानपारा गोंडा। सामने ट्रेन आ रही है, छोटी लाइन की ट्रेन है।
या मैं आपको देता हूँ, ये है मीटर गेज लाइन, ये मैलानी से दुधवा नेशनल पार्क होते हुए कतनिया होते हुए नानपारा तक ही जाती है। देखिए मीटर गेज, उत्तर प्रदेश में केवल यही एक लाइन है जो मीटर गेज है, बाकी सब ब्रॉड गेज में चेंज हो चुकी हैं। तो मीटर गेज की आपको ट्रेन दिखाई अभी। गांव वालों की रक्षा के लिए और जंगली जानवर जंगल से बाहर ना जाए खेतों में, ये देखिए पूरी लोहे की जाली लगा दी गई है। ये अच्छा काम है फॉरेस्ट विभाग का। और ये गांव है और देखिए ये लोहे का नेट लगा रखा है, मैंने देखा कई जगह टूट भी चुका है। कितने खूबसूरत घास के मैदान है कतनिया नेशनल पार्क में। चलिए आपको एक नई जगह पर लेकर चलते हैं। काफी राहगीर हैं इस रास्ते पे, ये रोड है जो नेपाल के लिए जाता है और काफी इंडियन गांव भी हैं। आंबा बर्दिया इस साइड में जा रहे हैं हम लोग। रात में ये जो रास्ते हैं काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं, जंगली जानवरों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो जाता है इन पर। यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है गर्मियों का, काफ़ी दुकानें हैं। आंबा जगह पड़ती है आंबा, और वहाँ यहाँ पे लगा हुआ है मेला। ये जो आपको ना टैंकी दिख रही है लाल लाल रंग की, अभी दिखाता हूँ, ये भिनका स्टेट के जो राजा साहब हैं उनकी ये जमीन है, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे ले रखी है कतनिया में। खूबसूरत, और यहाँ पे वो घूमने आते हैं और दो चार दस दिन रह के जाते हैं। ये रही जो सामने भिनका स्टेट के राजा साहब की प्रॉपर्टी है, ये सामने वाले, साथ में करनाली रिवर घाघरा। छोटे छोटे बाजार जो लगते हैं, पुराने जिस जमाने में शहर बाजार दूर हुआ करते थे तो यहीं पे आ जाते थे जो दुकानदार सामान लेकर, और गाँव के लोग यहाँ पे ही सारा जरूरत का सामान खरीद लिया करते थे, क्योंकि शहर 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर होते थे। कई गांव वाले ऐसे होते थे पूरी जीवन उनका बीत जाता था कि वो शहर ही नहीं देख पाते थे। शहर जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी किसी ज़माने में। आंबा का बाजार या मेला लगा हुआ, ये है दोस्तों गेरुआ रिवर जो नेपाल के चीसा पानी से निकलती है। ये दो तीन भागों में हो जाती है, एक चला जाता है ये राजापुर से सती होते हुए नेपाल खखरौला जाके निकलता है, उसे कहते हैं करनाली। और दूसरा ये पार्ट है देखिए, और ये इसको गेरुआ कहते हैं जो कतनिया नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, और इसी में स्टीमर से डॉल्फिन क्रोकोडाइल दिखाते हैं। तो ये सूखे हुए घास के मैदान काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपनी कार में ही बैठ के लंच किया है, और देखिए अजय सिंह अभी भी स्वाद लगा रहे हैं। तो चलिए शाम तक कहाँ कहाँ जाते हैं सब आपको दिखाएंगे।
बने रहिए मेरे व्लॉगों को, काफ़ी प्यार दे रहे हैं आप लोग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये जो लेफ्ट राइट में रोड है ना, ये जाती नानपारा, ये देखिए यहाँ एम्बुलेंस जा रही है, और ये राइट साइड वाली कतनिया। साहब हमारे गलत गाड़ी ले आए, बैक कर रहे हैं, ये कतनिया। और ये जो यहाँ से हम लोग कतनिया से भी आए, और ये फिर हम लोग जा रहे हैं बिछिया, लखीमपुर जाना हो, अपने तिकुनिया जाना हो, दुधवा नेशनल पार्क जाना, तो इस रास्ते से जाएंगे। यहाँ रेलवे का छोटा स्टेशन भी है, ये एक छोटा सा कस्बा है बिछिया। आपने कतनिया आना हो कभी घूमने, तो यहाँ बिछिया तक लखीमपुर खीरी से बसें भी आती हैं, पलिया मैलानी से ट्रेन, और हमारे उत्तर प्रदेश में ना अभी तक लोगों को पता नहीं चला लग पाया कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। देखिए साइकिल और ये जो जो कुछ भी है रोड पे ही है। साइकिल बिल्कुल रास्ते पे खड़ा कर रखा था। ये बिछिया की मार्केट है, रोडवेज की बसें लखीमपुर से, परिवहन विभाग की प्राइवेट बसें भी आती हैं। तो ये जो सामने हम लोगों के सामने दिखाई दे रही है रोड, इस पे दिन में भी टाइगर और तेंदुए वगैरह दिखाई देते हैं। किस्मत में हुआ तो जरूर दिखाई देगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। मगर काफी हरे भरे जंगल और हरियाली जो मुझे पसंद है वो दिखाई दे रही है। देखिए हरे भरे जंगल हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, तो ग्रामीणों का काफी आना जाना लगा रहता है। ये गजियापुर कॉलोनी है, और हम लोग जा रहे हैं लोहरा फार्म की ओर। राइट साइड में पेट्रोल पंप है और गजियापुर कॉलोनी में रहता जाता है, हम लोग लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे। जो गांव है समझ लीजिए जंगल, जंगल में घर और घर में जंगल, सब कुछ है। ये गांव में जो नजदीकी गांव है, आप गांव में आपको कुत्ते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ काफी तेंदुए जो के उनको उठा ले जाते हैं। इन्हें जो है ना कृषि योग्य हैं और काफी बराबर और काफी उपजाऊ हैं, मगर जंगली जानवर और गायों के लिए लोगों ने बाड़ बना रखी है, देखिए लगा रखी है। छोटा जानवरों का लगता है यहाँ भी काफी आतंक है। कतनिया नेशनल पार्क सामने दिखाई दे रहा है, और साथ साथ में गांव बसे हुए हैं। उपजाऊ भूमि है काफी यहाँ की। एक बात है, इन गांव में आपको डॉग नहीं दिखाई दे सकता, यानी कि कुत्ता, क्योंकि तेंदुआ बहुत ज्यादा है और डॉग वगैरह को उठा के ले जाता है। कतनिया क्षेत्र का ये है ग्रामीण भारत, ग्रामीण जो गांव है। देखिए ये सामने कुछ रिसोर्ट वगैरह, थोड़ा आगे बढ़ाइए, रिसोर्ट बना हुआ है, देखिए
वो आगे और ये अलग। ये है राणा फार्म, ये भी यहाँ पे काफी थारू कल्चर है नेपाल वाला, और ये भी कतर्निया नेशनल पार्क से सटा हुआ है। देखिए गांव थारुओं के, थारू जनजाति के। इस समय हम आ चुके हैं नवतोड़ रामपुरवा मटेही, और यहाँ एक हमारे मित्र हैं, उनका रिसोर्ट बना हुआ है जंगल किनारे। और चलिए मैं आपको बाहर बाहर से दिखाता हूँ। कतनिया के बाद हम लोग इस जगह पे आ गए थे, तो सामने एक पौंड बना हुआ है और ये एक रिसोर्ट है, लेपर्ड्स डन होम स्टे। देखिए रामपुरवा बराइच यूपी, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे अगर रूम लेना हो आपने 2500 रुपये, और डिनर वगैरह हो तो 4500 रुपये। ये देखिए हट बना हुआ है और ये रेस्टोरेंट, कभी आए आप तो। ये देखिए नंबर है लेपर्ड डेन होम स्टे रेस्टोरेंट के नाम से, तो आइए। काफ़ी खूबसूरत और साफ सफाई है यहाँ पे, तो आगे हम लोग जंगल से क्रॉस होके महीपुरवा की तरफ जा रहे हैं। शायद कोई लेपर्ड वगैरह दिख जाए आज हम लोगों को। तो मन था यहाँ के जो ओनर सर हैं, डीएफओ हैं, रिटायर डीएफओ, पहले हमारे दुधवा रेंजर थे और चंबल में डीएफओ साहब रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू हो गया कतनिया नेशनल पार्क का जंगल, और ये उबड़ खाबड़ रास्ते, देखते हैं आगे हम लोगों को दर्शन होते हैं किसी एनिमल के, या टाइगर लेपर्ड किसी हिंसक जानवर के। काफी खूबसूरत बेहतरीन रिसोर्ट से निकलने के बाद सीधा जंगल में आ गए हम लोग, और चरवाहे गाय भैंस चरा रहे हैं। सामने जंगल देखिए घना, यहाँ टाइगर लेपर्ड भी हो सकता है। चरवाहे देखिए अपने एनिमल चरा रहे हैं। देखिए ग्रास लैंड है, टाइगर ग्रास है ये सामने, एलिफेंट ग्रास भी होता है कहीं ना, टाइगर ग्रास है सामने, एलिफेंट ग्रास तो नहीं है। ये नहीं है कि टाइगर ग्रास को क्या कहते हैं, टाइगर ग्रास, टाइगर घास नहीं खाता है इसे, इस ग्रास को टाइगर छिप जाता है इसमें, तो इसे टाइगर ग्रास कहते हैं। और जो बहुत बड़ा बड़ा ये घास सरकंडा होता है जहाँ एलिफेंट छिप जाता है, उसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं। सामने जो दिख रहा है ना बिल्कुल आगे, चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी पत्ती वाला, ये बेंत का पेड़ है। मोर, दो मोर हैं, एक ये और एक ये पिकॉक, ये राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश का। दो हैं देखिए, एक वो, ये एलिफेंट ग्रास है, यानी कि इस घास में ना हाथी छुप सकता है। और ये देखिए पीकॉक, ये देखिए बच्चे भी उसके।
जा रहे हैं। बरसात में जो ये रास्ते बंद हो जाते होंगे ना, कुछ भी दिखाई दे सकता है यहाँ पे, शेर, शेर नहीं नहीं टाइगर बाघ जिसे कहते हैं, शेर तो होता ही नहीं यहाँ पे लाइन। तो देखिए फिर पिकॉक आ गए, पिकॉक बहुत हैं, देखिए मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी। हमने जो दिखाई दे रहा ना ये है मचान, इस मचान पे चढ़ के आप ऊपर जो जंगली एनिमल देख सकते हैं। शाम हो रही है मगर हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड वगैरह भी हो सकते हैं, तो काफी ऊंचा मचान है। ग्रामवासी अकेले जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल गई फिसल, गिरने जा रहे थे। जंगल, और जंगल में है हम लोग, ये दीमक के ढेर बने हुए जो दीमक बनाता है। नान पारा बहराइच मीटर गेज, और की लेंथी, और ये बिछिया तिकुनिया बहराइच नान पारा। पीठड़ी कम रखना, कभी भी टाइगर या कोई भी जंगली एनिमल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। स्पॉटेड डियर तो जरूर दिखाई देना चाहिए। हाँ यार, हम लोगों को स्पॉटेड डियर नहीं दिखाई दिए, कतनिया भी गए, शायद गर्मी ज़्यादा थी क्या था। देखिए घने जंगल, हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, तो वहाँ आपको टाइगर जरूर दिखाएंगे। आप कह रहे हो वीडियो नहीं बना रहे, नहीं डाल रहे हैं आप, व्लॉग नहीं नए नए बना रहे हैं। मेरा दरअसल में जो मोबाइल था ना वो ब्लास्ट हो गया था, चार्ज पर लगा हुआ था और फट गया वो, उसके कारण मैं नहीं बना पाया नए व्लॉग। काफी बिजी भी था और गर्मी भी थी बहुत ज्यादा। अंदर जाने के लिए रास्ते हैं ये, और ये साल का पेड़ है, बहुत ज्यादा है इसमें, साल के जो पेड़ है ना बहुत ज्यादा है। सुनसान, उसके साथ साथ में ही ट्रेन की लाइन जाती है मीटर गेज, और जो यहीं पे खाली बची है हमारे यहाँ पे बहराइच में और लखीमपुर, दोनों जगह पे मिलानी गोंडा सीमा समाप्त परम महिम लुआ रेंज। ये सब डंडे हैं जो फॉरेस्ट वालों के बंद कर रखे हैं आगे से। देखिए शायद कोई भी एनिमल नहीं मिला हम लोगों को, स्पॉटेड डियर भी नहीं मिले हमें आज। इन जगहों पे ना बहुत ज़्यादा होते हैं जंगली हिरन, जी स्पॉटेड डियर एक भी नहीं दिखाई दिया।
शायद आगे दिखाई दे जाए। ग्रासलैंड, खूबसूरत हरा हरा घास, उसमें ना स्पॉटेड डियर वगैरह चल रहे होंगे। कुछ कारण शायद ये भी है कि घास जो हो गए ना, आज हो गई है 11 जून, मूर्तिया रेलवे स्टेशन लगा हुआ स्पॉटेड डियर की देखिए वो लगा हुआ है, काफ़ी मिलने चाहिए। गति 30 किलोमीटर बता रखे, 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। यहाँ पे एरिया है, शायद दिख जाए किस्मत में होंगे तो। हर जगह फॉरेस्ट की चौकियाँ बनी हुई हैं और बैरियर लगे हैं। ये सब अंदर गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जा सकते हैं आप जो अंदर रास्ते कभी घूमने जाएंगे ऐसे रास्तों पे भी। इको पर्यटक परिसर ककराहा मोतीपुर बहराइच, ये ककराहा का गेस्ट हाउस है। रेलवे स्टेशन देखिए, ककराहा रेलवे स्टेशन है ये। खूबसूरत सीन है सा, ये घाघरा मुहाना का पानी आता है, कैलाशपुरी डैम से। घने जंगलों के बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं, जंगल हैं और हमें कोई भी बड़ा एनिमल अभी तक नहीं दिखाई दिया, तो बस यही है कि कोई ना कोई एनिमल हमें दिखाई दे जाए। ताकि हम आपको भी दिखा सकें, तो जंगल काफ़ी खूबसूरत है देखिए। ट्रेन की मीटर गेज की लाइन भी साथ साथ जा रही है। पूरा मौसम आज बादल थे और उसके बाद धूप निकली है, तो पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं सोने के हों। बाघ का वारा स्थल हरण क्षेत्र, यानी बाघ का क्षेत्र है और हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, लिख के रखा बोर्ड लगा रखा पार्क विभाग ने, तो यहाँ देखने के लिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, है ना जी। का टूर लगभग 200 किलोमीटर का है, लखीमपुर से सवेरे चले थे 8 बजे, 5 बज गए हैं। कतनिया से घूमते हुए कई फार्मर थे और देखते हुए जंगल के रास्ते हम लोग महीपुरवा की ओर जा रहे हैं, और काफ़ी गांव में गए और हमें ग्रामीण भारत देखने को मिला, जो वास्तव में ही बहुत खूबसूरत है। बाकी भारत को अगर देखना हो या किसी भी देश को या किसी प्रदेश को, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो आपको एहसास होगा कि ये भी भारत है और खूबसूरत भारत है। हर 100 किलोमीटर कल्चर, पानी का स्वाद बदल जाता है, लोगों की लैंग्वेज बदल जाती है। इको प्रोटेक्ट परिसर मोतीपुर फॉरेस्ट विभाग वालों का है ये मोतीपुर रेंज, जहाँ ज्योति रंधावा शिकार में पकड़े गए थे और इसी रेंज में ला के बंद किया गया था, यहीं से चलानों का बनाया गया था ये मोतीपुर रेंज। देखिए लकड़ी का कारोबार काफी है यहाँ पे। रोड हो गई है चौड़ी,
इस समय बज गए हैं रात के 7:40 और हम लोग अपने लखीमपुर से चले थे 8 बजे। तो काफी गांव घूमे हम लोग, काफी जंगल घूमे, हमें नहीं दिखाई दिया टाइगर, हमें नहीं दिखाई दिया लेपर्ड, हमें दिखाई दिए मंकी, बंदर और काले वाले लंगूर, बड़े वाले बंदर होते हैं, और मोर मोर के बच्चे दिखाई दिए। कुल मिला के एक गिफ्ट होती है जंगल में जो ये एनिमल दिखाई देते हैं बड़े वाले। देखने के लिए तो और भी बहुत कुछ होता है, हरे भरे जंगल बहुत खूबसूरत लगते हैं, नदियाँ जो होती हैं, छोटे पंछियों की चहचहाट, कुदरत के नज़ारे और खूबसूरती, प्रकृति की खूबसूरती। चलिए नहीं दिखाई दिया आज हम कोई भी एनिमल, आगे देखेंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे जीएस जट व्लॉग को, चैनल को। चलिए शिक्षा, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल।